गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर लास्ट लेक्चर में मैंने फिनिश कर दिया है। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो तुम्हारे बुक में दिए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेज नंबर 201 की है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड ड्यूरिंग वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के टाइम पर जो पानी है वो किन किन डिफरेंट स्टेट्स में फाइंड होता है। तो डिफरेंट स्टेट्स होगी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में। तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो स्नो या आइस की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है। लिक्विड की बात करें तो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में हमारा पानी, रिवर्स में पानी हमारा प्रेजेंट होता है। गैसियस फॉर्म में अगर हम बात करें तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी हमारा प्रेजेंट होता है। तो तीन स्टेट्स जिनमें हमारा वाटर जो है फाउंड होता है ड्यूरिंग वाटर साइकिल, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। सॉलिड में आइस फॉर्म में, लिक्विड में रिवर्स में या ग्राउंड वाटर, एंड गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर्स की फॉर्म में हमारा वाटर जो है प्रेजेंट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम टू इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दो ऐसे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स बताने हैं जिनमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो तुम्हें मैंने कितनी बार बताया है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। ये हमारे अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, हमारे डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी में हमारा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होता है। तो टू इंपॉर्टेंट कोई भी लिख सकते हो, डीएनए, आरएनए लिख सकते हो, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर तुम बता सकते हो अमीनो एसिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट थ्री ह्यूमन एक्टिविटीज जिसकी वजह से CO2 की कंसेंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाती है। लिस्ट एनी थ्री ह्यूमन एक्टिविटीज दैट लीड टू इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमोसफियर। तो किन किन वजह से CO2 की कंसेंट्रेशन एटमोसफियर में बढ़ती है। पहली वजह तुम बता सकते हो कि हमारा बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे हम हीटिंग करते हैं ज़्यादा, अगर हम अपनी किचन में कुकिंग कर रहे हैं उससे धुआं निकल रहा है, हीटर्स यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव में ACs यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या हो सकता है, CO2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है। या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है, कोल एंड पेट्रोलियम को हम बर्न करते हैं, उसकी वजह से भी CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ती है। थर्ड रीज़न तुम बता सकते हो, डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से, अगर एक्सेसिव फॉरेस्ट फायर्स होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा CO2 की कंसेंट्रेशन एटमोसफियर में बढ़ जाएगी। तो कोई भी इनमें से एक तुम लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक एक्सेसिव कुकिंग, AC यूज एंड हीटिंग, हीटर्स यूज, ठीक है, इनकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो तुम्हें बताया गया था कि कई बार क्या होता है, जो कांच के घर बने होते हैं विंटर्स में, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए बनाए जाते हैं, तो उनमें से कई बार क्या होता है, हीट एस्केप आउट हो जाती है। कुछ गैसेस होती है जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस जो है एस्केप आउट होकर एटमोसफियर में चली जाती है, जिसकी वजह से एटमोसफियर के अंदर इन गैसेस का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। सो एस्केप आउट ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस लाइक CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, एंड दीज गैसेस गोज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की दो फॉर्म्स बताओ कौन कौन सी होती है। तो तुम्हें बताया गया था O2 की दो फॉर्म, O2 ऑक्सीजन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर O3 ओजोन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये दो फॉर्म्स है जिस फॉर्म में O2 जो है हमारा प्रेजेंट होता है इन एटमॉस्फेयर। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे पेज नंबर 201 के। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज की क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई एटमॉस्फेयर असेंशियल फॉर लाइफ। Why is atmosphere essential for life?
एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है लाइफ के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो तुम्हें पता है एटमॉस्फेयर का काम क्या होता है? हमारा क्लाइमेट को मेंटेन करके रखना, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना ड्यूरिंग डे एंड नाइट। किसी भी टाइम कभी बारिश नहीं कर देना या कुछ भी नहीं, मौसम में चेंज नहीं लाना, सडन ऑल ऑफ चेंजेस नहीं लाने, वेदर को कंट्रोल करके रखना। और हमें ये एक ब्लैंकेट की तरह एटमॉस्फेयर ने कवर किया है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये हमें। तो एटमॉस्फेयर जो है क्लाइमेटिक चेंजेस या वेदर के चेंजेस को कंट्रोल करता है, उनको मेंटेन करता है ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट। सडन इंक्रीज दिन के टाइम पे नहीं होने देता, ठीक है। उसके अलावा अगर हम रात की बात करें तो रात को भी ये धीरे धीरे हीट को स्लो डाउन करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर असेंशियल फॉर लाइफ? पानी क्यों जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए? तो तुम्हें मैंने बताया था कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ह्यूमन बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो भी चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट होती है, वो ट्रांसपोर्ट का मीडियम कौन सा है? हमारा वाटर। वाटर जो है एक सेल से दूसरे सेल में या टिश्यूज या ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। बहुत सारी चीजों को, न्यूट्रिएंट्स को ये सोल्युबलाइज करके अपने साथ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो वाटर अगर नहीं होगा तो किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी में, और अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स का तो उससे क्या हो सकता है, कोई भी इंसान की किसी भी चीज़ की कमी आ सकती है और एट द एंड एक पर्सन मर भी सकता है। सो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन सॉइल? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है किस तरह से सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं? हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल? आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स? और जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं क्या वो टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं सॉइल से? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन का हम पहले पार्ट का आंसर देंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सॉइल क्यों जरूरी है, क्यों वो सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो तुम्हें पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली, वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है? तुम्हें पता है कि प्लांट से हमें फूड मिलता है। अब प्लांट के ग्रो करने के लिए क्रॉपिंग करनी पड़ती है, तो क्रॉपिंग कहाँ की जाती है? सॉइल में की जाती है। सॉइल जो है बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके लेकर जाता है, और उस सॉइल से ही सारी रूट्स जो है किसी प्लांट की सॉइल के अंदर ही मर्ज हुई होती हैं, और सारे न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सारी चीज़ें पानी के थ्रू या फिर हम बोले सॉइल में ही हम डालते हैं, और वहीं से ही उसका प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लांट्स को ज़रूरत है उनकी अपनी ग्रोथ के लिए, एनिमल्स उस प्लांट्स को खाएंगे, उनसे फूड अपना लेंगे, तो इसलिए सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सॉइल के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट पूछा गया है कि जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं क्या वो इंडिपेंडेंट होते हैं सॉइल से? तो आंसर इज नो, बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर में होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट से अपना फूड लेते हैं। तो इनडायरेक्टली चाहे सही, बट सॉइल से वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। सॉइल एक्वेटिक प्लांट के लिए ज़रूरी है, अब एक्वेटिक प्लांट से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेंगे तो सेम प्रोसेस वहाँ पर भी चलती है। तो इसलिए सॉइल बहुत ही ज़रूरी होती है, और सारे ऑर्गेनिज्म सॉइल्स के ऊपर चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज यू हैव सीन वेदर रिपोर्ट्स ऑन टेलीविजन एंड इन न्यूज़पेपर। वेदर के रिलेटेड जो है टीवी और न्यूज़पेपर्स में क्या कहते हैं, न्यूज़ जो है सुनते हो, हाउ डू यू थिंक वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर? तो किस तरह से प्रिडिक्ट किया जाता है वेदर, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट जो होती है, वो सारा का सारा डाटा कलेक्ट करती है रिगार्डिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, सच एज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, कौन कौन से ये पैरामीटर्स को चेक करती है, मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारे पैरामीटर्स को वो क्या करती है, चेक करती है इन सभी को। तो इसके थ्रू यहाँ पर इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो क्या करते हैं,
स्टडी करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो होता है उसको थर्मामीटर के थ्रू जो है मेजर किया जाता है दिन के टाइम पर, और रेनफॉल को मेजर किया जाता है रेन गॉज के थ्रू। तो विंड स्पीड मेजर की जाती है एनीमोमीटर्स के थ्रू। बहुत सारे इंस्ट्रूमीटर्स हैं जो कि ह्यूमिडिटी या अदर चीज़ों को क्या करते हैं मेजर करते हैं, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर कैसा पैटर्न है टेम्परेचर का, एटमोस्फेरिक प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का, विंड का, ये सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट करके वेदर को प्रिडिक्ट किया जाता है। इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम बता पाते हैं कि वेदर कैसा होता है। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट। किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं क्वालिटी ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। इन सभी की क्वालिटी को किस तरह से फॉरेस्ट जो है वो कंट्रोल करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो तुम्हें पता है सबसे पहले एयर की बात करेंगे। एयर की बात करें तो फॉरेस्ट जो है वो क्या करते हैं, CO2 की परसेंटेज को, ऑक्सीजन की परसेंटेज को एटमोसफेयर में मेंटेन करके रखते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एटमोसफेयर के अंदर, तो प्लांट्स क्या करते हैं वो एटमोसफेयर के अंदर के जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफेयर से लेंगे और इन रिटर्न ऑक्सीजन को वो रिलीज करेंगे। तो ये चीज एयर के अंदर मेंटेन होती है, तो फॉरेस्ट इसका बैलेंस बनाए रखते हैं। सेकेंड चीज है हमारी वाटर की, अगर हम बात करें वाटर की, अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट जो है रिप्लेनिशमेंट करते हैं बहुत सारी वाटर रिसोर्सेज की। ट्रांसपीरेशन के टाइम पर जब प्लांट्स ट्रांसपीरेशन करते हैं, हमने लॉस ऑफ वाटर होता है वाटर वेपर की फॉर्म में, वो जो पानी होता है वो सारा कंडेंस होकर, अब प्लांट्स हैं उनमें वाटर वेपर्स बने ठीक है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, वो वाटर वेपर्स कहाँ जाएंगे, क्लाउड्स में चले जाएंगे, या फिर हम बोले वो वाटर वेपर्स हमारे एटमोसफेयर में चले जाएंगे और क्लाउड्स की फॉर्म में वो चेंज हो जाएंगे, और क्लाउड्स से फाइनली क्या होती है हमारी रेन होती है। प्लांट्स ने क्या किया, फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं उन्होंने ट्रांसपीरेशन की, वाटर वेपर्स बनाए, वो वाटर वेपर्स एटमोसफेयर में चले गए और एटमोसफेयर में जाकर उन्होंने रेनफॉल की फॉर्म में वो अर्थ पर वापस आ गए। थर्ड है सॉइल। सॉइल की अगर हम बात करें तो जो फॉरेस्ट हैं वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं। जो सॉइल प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर क्या कर लेती हैं, टाइटली उसको इमर्ज कर करके टाइटली उसको बाइंड करके रखती हैं, और विंड और वाटर का विंड और वाटर के साथ वो इरोड होकर बहकर सॉइल नहीं जाती है और वो प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करती है। सो एयर, एयर का मतलब कि फॉरेस्ट एयर को कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ये मेंटेन कर रही हैं। सॉइल की बात करें तो ये सॉइल इरोजन से बचाते हैं। वाटर रिसोर्सेज रिप्लेनिशमेंट नहीं स्कीम होने देते, रिप्लेनिशमेंट और वाटर रिसोर्सेज से फॉरेस्ट जो है वो बचा रहे हैं, या अगर हम बोले रिप्लेनिशमेंट और वाटर रिसोर्सेज में ये हेल्प कर रहे हैं। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। वी नो दैट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीजिंग ऑफ पॉल्यूशन इन एयर, वाटर बॉडी एंड सॉइल। क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एयर वाटर सॉइल की बात करें तो इनमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। डू यू थिंक दैट आइसोलेटिंग दीज एक्टिविटीज टू स्पेसिफिक एंड लिमिटेड एरिया वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। कहता है अगर इन सारी एक्टिविटीज को हम एक पर्टिकुलर एरिया तक ही आइसोलेट कर दें तो क्या उससे पॉल्यूशन बच पाएगा। सो आंसर इज यस। आंसर क्या है, यस। अगर हमने ह्यूमन एक्टिविटीज किसी पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित कर दी तो उससे क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बच जाएगा। सिर्फ उतने एरिया में ही चीजें होंगी, बाकी के एरिया साफ सुथरे हमारे रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर इंडस्ट्रीज को हमने कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही रखा तो उससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है, और जो इंडस्ट्रीज जितना भी पॉल्यूशन हमारा क्रिएट करती है वो ज्यादा आगे तक फैलेगा नहीं। तो इस तरह से हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से हम इस तरह से हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और बायो का सिलेबस भी तुम्हारा फिनिश होता है। आई होप आप सभी को सारा समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।